हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 2020 के जो भी पेपर क्वेश्चंस आए थे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम 2020 में जो भी क्वेश्चन आए थे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहले एक बार वेरी शॉर्टली देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे। सबसे पहला पार्ट ए में क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि साक्षरता और शिक्षा में क्या अंतर है। एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हम आंसर देखेंगे तभी हम क्वेश्चन को वहाँ पढ़ लेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में, सेक्शन ए के बारे में बात करने वाले हैं। और सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन है। आप यहाँ देख लीजिए, सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, और इसको 25 शब्दों में ही आंसर देना है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 25 वर्ड्स के अंदर ही, 25 वर्ड्स के आसपास आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल था कि शिक्षा और साक्षरता में क्या फ़र्क है, शिक्षा और एजुकेशन और लिटरेसी में क्या अंतर है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना था। तो देखिए, शिक्षा और साक्षरता में अंतर हम सबसे पहले देख लेते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की क्रिया है। यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा से इंसान उचित आचरण और तकनीकी दक्षता और विद्या ग्रहण करता है, और इसे एक सभ्य इंसान बनता है, तो इसे हम शिक्षित इंसान कहते हैं। यानी कि यह शिक्षा के अंतर्गत आता है। और जबकि साक्षरता क्या है? साक्षरता साधारण शब्दों में पढ़ने लिखने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि साक्षरता मूल रूप से पढ़ने और लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो ये हो गया साक्षरता के बारे में। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है शिक्षा के बारे में। शिक्षा व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है। ऑब्वियस ही बात है, एक सभ्य इंसान होगा, एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करेगा शिक्षा के माध्यम से। जबकि साक्षरता यानी कि लिटरेसी क्या करता है? साक्षरता से व्यक्ति को पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो साक्षरता है वो पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित है, वो आपको पढ़ने योग्य बनाएगी। जबकि जो शिक्षा है, शिक्षा आपको एक सभ्य इंसान बनाती है, एक सामाजिक इंसान बनाती है। जब हम शिक्षित रहेंगे तो हमें यह पता रहेगा कि बड़ों से कैसे बात करना है, बच्चों से कैसे बात करना है। जबकि शिक्षित से सिंपली सा ये है संदर्भ है कि इंसान को पढ़ना लिखना आ जाए। ओके, तो दूसरा पॉइंट है शिक्षा में, शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जन्म के बाद से इंसान कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, जैसे कि दर्द का आभास होना, किसी को देख के हम डर जाते हैं, तो हम सब चीज़ें सीखने लगते हैं बचपन से ही। जबकि साक्षरता क्या है? साक्षरता जन्म के कुछ वर्षों के बाद प्रारंभ होने वाली क्रिया है। जब हम बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके हाथ में पेन दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये क है, ख है, ये ए है, ये बी है। उनके जन्म के कुछ वर्षों के बाद उन्हें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जबकि शिक्षा जो है वो जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। हम इस दुनिया में आते ही हम चीज़ों को आभास करने लगते हैं और चीज़ों को अपने अनुभव के द्वारा सीखने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक डिबेटेबल टॉपिक है, हिंदी सभ्यता और हिंदू सभ्यता के अनुसार शिक्षा को यह भी माना गया है कि शिक्षा जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। यानी कि माँ के पेट में भी बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, ये हिंदी सभ्यता के अनुसार इसकी अवधारणा है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसे लड़िएगा नहीं। बहुत हद तक ये चीज़ें भी सही हैं, लेकिन जिस चीज़ पर ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों का मत प्राप्त है वो ये है कि शिक्षा जो है वो जन्म के तुरंत बाद से शुरू होने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है शिक्षा के मुख्य स्रोत, अब आप बताइए कोई इंसान शिक्षित होता है तो उसके मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं? कोई इंसान अच्छा स्वभाव, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण कहाँ से प्राप्त करता है? तो शिक्षा का जो मुख्य स्रोत होगा वो उसका परिवार होगा, उसका समाज होगा और उसका अनुभव होगा। यानी कि जो शिक्षा का मुख्य स्रोत है उसका परिवार, समाज और उसका अनुभव है। जबकि साक्षरता का मुख्य स्रोत क्या है? साक्षरता का मुख्य स्रोत विद्यालय, गुरु, किताबें इत्यादि हैं। जबकि इंसान पढ़ना लिखना किसके मुख्य स्रोत से सीखता है? वो है स्कूल से, गुरु से और किताबों से। आइए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के बारे में, शिक्षा का मापन अनुभव के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कौन इंसान कितना शिक्षित है, कौन इंसान कितना सभ्य है, इस बात का आप अनुमान कैसे लगाएंगे? आप उससे बात करेंगे, उसके साथ कुछ वक्त स्पेंड करेंगे तो आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये बंदा पढ़ा लिखा सभ्य इंसान है, ठीक है। और साक्षरता क्या है? साक्षरता एक साक्षरता दर से नापी जाती है। साक्षरता का मापन साक्षरता दर से किया जाता है। जैसे यूपी का लिटरेसी रेट कितना है, केरला का लिटरेसी रेट कितना है, इस हिसाब से आप पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन था वो एक नंबर में आया था, तो एक नंबर में आपको इतना पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस डेफिनेशन ही लिख देते हैं दोनों का तब भी काम चल जाता है। मगर फिर भी मे भी अगर ये लघु उत्तरी में पूछ दे तो ये चार टॉपिक, ये चार पॉइंट काफी हैं उसके लिए। ओके, तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल 2020 में जो आया था, अविद्या से क्या तात्पर्य है? अविद्या से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज अविद्या मीन? अविद्या का मतलब क्या होता है? तो देखिए, साधारण भाषा में यहाँ लिखा गया है कि अविद्या एक संस्कृत शब्द है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान,
भ्रम मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, यानी कि अविद्या वही है जहाँ विद्या नहीं है। तो अविद्या का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत। अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित, यानी कि जो इंसान अशिक्षित है उस वही इंसान अविद्या है, उसके पास विद्या नहीं है। तो बड़ी शॉर्ट और बहुत ही अच्छे आंसर्स यहाँ पे आपको मिल गए। एक नंबर के लिए काफ़ी है, इतने आंसर्स 25 शब्दों में ही आपको देने हैं। अगर आप इसके अलावा बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को अशिक्षित व्यक्ति माना जाता है, उसके अंदर विद्या का निवास नहीं होता है और उसे ही अविद्या कहते हैं। तो आप इसे चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वरना इतना आंसर काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इसका तो एक अलग वीडियो बनना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। एग्जाम में जाने चाहते हैं तो क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। ये देखिए, ये कहीं नहीं कहा गया है कि आपको प्रयोजनवाद के बारे में व्याख्या करनी है, नहीं, आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताना है, यानी कि एक्चुअल मीनिंग बताना है, ठीक है। अब प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयोग, व्यवहार, अभिप्राय अर्थात अथवा कारण। आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपके सामने गूगल में चेक करके बताता हूँ कि प्रयोजन का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं गूगल पे प्रयोजन का अर्थ आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा प्रयोजन, उपयोग, प्रयोग, व्यवहार, अभिप्राय, मतलब। यानी कि प्रयोजन का मतलब होता है कि मतलब, कोई कारण। आप इसको अपने दैनिक भाषा में भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब आपके कोई भी व्यक्ति कहीं इकट्ठा होता है और उसे लोग पूछते हैं कि क्या बात है, कोई प्रयोजन है क्या या कोई कारण है क्या, कैसे यहाँ पर आना हुआ, तो दैनिक भाषा में भी आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि प्रयोजन का मतलब होता है कि कोई कारण। तो ठीक है, तो ये प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद का प्रयोजनवाद संस्कृत के, यहाँ पे आप उत्तर देखिए, प्रयोजनवाद संस्कृत के प्रयोजन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उपयोग, प्रयोग, व्यवहार, अभिप्राय। अर्थात प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ प्रयोगवाद कमा व्यवहारवाद अथवा अभिप्रायवाद होता है। सरल भाषा में इसे कारणवाद भी कहते हैं। तो प्रयोजन का यहाँ पे आपको शाब्दिक अर्थ लिखना है, ठीक है, और प्रयोजन का आपको शाब्दिक अर्थ लिखना है और प्रयोजन का मतलब होता है उपयोग, प्रयोग, व्यवहार, अभिप्राय। तो प्रयोजनवाद का मतलब क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ यहाँ से देखिए, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ व्यवहारवाद, प्रयोगवाद अथवा अभिप्रायवाद होता है, और आसान भाषा में इसे कारणवाद भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, प्रयोजनवाद। अब देखते हैं एक बार चौथा क्वेश्चन क्या है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही विस्तृत इस पर बात करनी है। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व जरूर करेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज नॉन मटेरियल कल्चर में, मतलब अभौतिक संस्कृति का क्या अंतर है, अभौतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अभी देखिए, पहले आप संस्कृति के बारे में जान जाइए। हमें यहाँ पर आंसर देना है अभौतिक संस्कृति, ठीक है, अभौतिक संस्कृति के बारे में जानना है। तो पहले आप जान जाइए कि संस्कृति के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला कौन सा, भौतिक और दूसरा अभौतिक। यहाँ क्वेश्चन में अभौतिक के बारे में पूछा गया है। तो भौतिक संस्कृति क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सब वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त है, जिनका स्वरूप क्या भाई, मूर्त है, और जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सब वस्तुएं आती हैं जिनका स्वरूप मूर्त है और जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे मकान, सड़क, आभूषण, इंजन, घड़ी, मशीन, वस्त्र इत्यादि। अब इसको आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि आप जैसे देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में फीमेल्स जो होती हैं अपने बालों में वो गजला लगाती हैं, वो फुल टाइप्स की लगाती हैं, तो वो उनका सेल्फ अडॉप्टेड है, सेल्फ अडॉप्टेड कल्चर्स हैं, उन्होंने स्वयं ही वो कल्चर्स, वो आभूषण अपनाए हैं। बहुत जगहों पे आप जाएंगे तो गले में वो मोटी पुरानी, जैसे नहीं पुराने ज़माने में मोटी ऐसे कड़े पहने जाते थे गले में, तो वो उस समय की संस्कृति थी, उन्होंने सेल्फ अपना लिया था वो आभूषण। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपके भौतिक संस्कृति के अंदर। अब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपको क्या आएगा? अब देखिए, जो कि मेन हमें एग्जाम्स में यही पूछा है, अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सब बातें आती हैं जिनका स्वरूप अमृत है, यानी कि जिनका विकास मनुष्य के सामूहिक रूप से रहने से होता है। अब देखिए, मनुष्य सामूहिक रूप से जो संस्कृति ग्रहण कर लेता है, जैसे सारे मनुष्य मिलकर किसी चीज़ को, संस्कृति को कर लेते हैं, वो होता है अभौतिक संस्कृति। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे धर्म, जैसे भाषा। आप किसी स्पेसिफिक रीजन में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की स्पेसिफिक भाषा होगी, तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी, वहाँ की कला संगीत अलग होगी, साहित्य, आचार विचार, प्रथाएँ और संस्कार आदि। तो ये क्या हो गए, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ गई। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ,
जैसे बिहार में छठ पूजा, छठ पूजा बिहार की क्या है, संस्कृति है। यूपी में, अब यूपी में आप अगर आप देखेंगे तो यूपी में यहाँ पे मकर संक्रांति की फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं। तो ये एक सारे समूह मिलकर एक इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसका क्या, ये किसके अंतर्गत आ गया, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ गया। तो अभौतिक संस्कृति क्या है भाई, अभौतिक संस्कृति वो बातें हैं जिनका विकास मनुष्यों के सामूहिक रूप में रहने से होता है। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक सामूहिक मिलकर एक बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को मनाने लगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, अभौतिक संस्कृति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पाँचवा क्वेश्चन। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है और छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, तो छठा क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एजुकेशन सोशियोलॉजी, यानी कि ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। पहले आप समझ जाइए कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओटावे के अनुसार ना आए तो किसी और के अनुसार ये पूछ सकता है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। आप समझ जाएंगे तो जरूर अपनी भाषा में ये लिख सकेंगे। देखिए, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शैक्षिक समाजशास्त्र, इसमें दो वर्ड्स हैं, क्या है, एक पहला शिक्षा है और दूसरा समाज है। तो यही शिक्षा और समाज के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए ये शैक्षिक समाजशास्त्र बनाया गया है। ये क्या एक विज्ञान का भाषा है। अब यही देखिए, ओटावे ने बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन इसका दिया है। देखिए क्या कहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र, यहां से पढ़िए, शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन कराता है। इंग्लिश में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मे बी डिफाइंड ब्रीफली एज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैं वही कह रहा हूं कि समाज और शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करने को क्या कहते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। तो ओटावे ने क्या बेहतरीन यहां पर इसका परिभाषित किया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन कराता है। यह शिक्षा के उद्देश्यों, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ यहाँ पे, यह शिक्षा के उद्देश्यों, संस्थाओं, प्रशासन व पाठ्यक्रम को उस समाज की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित करता है, ठीक है, जिसमें उसे क्रियान्वित किया जाता है। ये क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है शैक्षिक और समाज के बीच, ठीक है, उद्देश्य, संस्था, प्रशासन और इसके बीच राजनीतिक, धार्मिक, एक क्रियान्वित क्रिया, एक निरंतर क्रिया चलती रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए छोटे से वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बस इसका आंसर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप ध्यान से पढ़ेंगे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चूंकि व्यक्ति की शिक्षा पर उसके व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डालता है। देखिए, व्यक्ति की शिक्षा पर और उसके व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक जीवन एवं सामाजिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो भी इंसान अगर हम शिक्षा लेते हैं तो उस पर हमारे सामाजिक जीवन और सामाजिक संबंधों का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसी चीज़ को ओटावे ने क्या किया, एक्सप्लेन किया, यहाँ पे परिभाषित किया। तो ये हमारा छठा सवाल था, ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो प्लीज़ छोटे से वीडियो में मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार पढ़िए, बात समझ में आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो शिक्षा की परिभाषा तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी लेखक के या किसी भी मनोवैज्ञानिक की आप परिभाषा यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे दो परिभाषाएं लेके आए, आपको एक ही लिखना है, एक नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको एक ही लिखना है। पहला क्या है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु जी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का। ध्यान से देखिए, शक्ति के बारे में बात किया गया है, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास कराती है। शिक्षा मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास कराती है, जिससे वो परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ये बड़ी ध्यान से देने वाली बात है, जिससे वो परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। मतलब जो भी चीज़ें हैं सत्य हैं, उसका आप आनंद उठाएं, अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें भी आप एक पॉजिटिव थॉट ले आएं और उसे भी इंजॉय करें। किसी के लिए दिल में ईर्ष्या ना रखें, किसी के लिए हसद ना रखें, बुराई ना रखें, मतलब एक सुकून से जब आप शिक्षित बन जाएंगे तो आप अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। यही कहा है अरस्तु जी ने। और दूसरा भी डेफिनेशन आप चाहे तो ले सकते हैं कौटिल्य जी के अनुसार। कौटिल्य जी ने क्या कहा था, शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है। शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसके व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विकास करती है। शिक्षा क्या करती है, मानव को एक सुयोग्य नागरिक बना देती है और उसका व्यक्तिगत विकास करती है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट करती है। किसका, उस मानव का जो शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है। तो ये दो डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन है आसान शब्दों में, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो शिक्षा की परिभाषा में आप इन दो डेफिनेशन को आप ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, ये तो हमारा सातवां क्वेश्चन था, अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां सवाल हमारा क्या है, देखिए आठवां सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो एक नंबर में हो या फिर आपका यहाँ पे आपका आठ नंबर में भी कई बार पूछा जा चुका है वो सवाल क्या है, ये देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्य में अंतर, यानी कि आपको करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस निकालना है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कई बुक का रेफरेंस लेके यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं। पहला देखिए, पाठ्यक्रम के बारे में,
तो पाठ्यक्रम क्या होता है, देखिए आप जब स्कूल्स में जाते हैं तो आपकी प्रेयर से लेके लास्ट क्लास तक आपको कैसे निकलना है, कब आपकी बारी आती है, ये सब चीज़ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती है। चाहे वो स्काउट गाइड हो, चाहे आपका प्रेयर हो, चाहे आपका ट्रिप हो, कहीं टूर हो, पिकनिक हो, अवार्ड हो, फंक्शन हो, ये सब आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। जबकि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आपके जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, आपको जो विषय पढ़ाते हैं उसका एक सिलेबस निर्धारण करते हैं कि किस अंदाज में आपको पढ़ाना है, तो वो सिलेबस का हिस्सा हो जाता है। आइए देखते हैं कि इसको लिखा कैसे गया है। पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में सिखाया जाता है। मैंने कहा ना समस्त वो समग्र सामग्री, स्पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, आपका प्रेयर भी इंक्लूडेड है, स्काउट गाइड भी, सब चीज़ इंक्लूडेड है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है भाई, करिकुलम क्या है आपका, करिकुलम आपका समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में सिखाया जाता है। जबकि सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपका पाठ्यचर वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु में शामिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि किसी विषय वस्तु में आपको क्या पढ़ाना है उसको, उसके लिए बनाया गया दस्तावेज है। तो क्या है भाई, पाठ्यचर वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु में शामिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब बंदे को खिलाया जाएगा उसका प्रेयर, तो करिकुलम के अंदर क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसका कंप्लीटली मतलब ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा। जबकि सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में बालक को केवल भौतिक विकास होता है, मतलब उसको पढ़ना लिखना, आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब यही चीज़ है उसको, तो उसको मेंटल उसका डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसका। ओके नेक्स्ट आपका डिफरेंस ये है कि पाठ्यक्रम जो है वो एक लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया पाठ्यक्रम, जबकि पाठ्यचर क्या है, सिलेबस एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, सिलेबस एक ग्रीक वर्ड है, जबकि करिकुलम क्यूरेरे, लैटिन वर्ड का क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। ठीक है, और नेक्स्ट डिफरेंस इसमें है कि यह राज्य, जिला अथवा विद्यालय द्वारा बनाया जाता है। जो पाठ्यक्रम है ना वो एक पूरे संस्था के द्वारा, विद्यालय के द्वारा बना दिया जाएगा, एक विद्यालय के लिए, एक राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए बना दिया जाएगा। जबकि जो सिलेबस है, सिलेबस विशेष शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है। जो सिलेबस है ना वो शिक्षक बनाएगा कि हमें हाँ इसमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और कौन सा हाफ ईयरली के लिए बनाना है, कौन सा एनुअल एग्जाम के लिए बनाना है। ठीक है, अब बताइए पाठ्यक्रम की अवधि लंबे समय तक रहती है, लंबे से ऑब्वियसली बात है, आपको पूरे साल के लिए एक पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है, पूरे साल के लिए नहीं, जबकि पूरे जब से सेशन चला है तब से लेके कब प्रेयर कराना, ये तो एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। जबकि पाठ्यचर क्या है, सिलेबस क्या है, कम सिलेबस की अवधि क्या होती है, कम समय तक रहती है। तो ये चार पॉइंट्स डिफरेंस हैं इसके, एक नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मगर फिर भी आपको चार पॉइंट आपको याद कर लेंगे, तो अगर आठ नंबर में पूछे तो इसको और बढ़ा चला के दो तीन और डिफरेंस आप मिला के इजीली लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एट्थ क्वेश्चन था, आठवां क्वेश्चन, तो अब आइए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में अगर आप रहते हैं तो इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या वैल्यू है। तो देखिए लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतंत्र पहले समझिए क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। वो अलग बात है कि शायद अगर वर्तमान में आपको दिखे या ना दिखे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मगर लोकतंत्र वास्तव में क्या होता है कि जनता द्वारा क्यों, क्योंकि आपके ही बीच कोई आपका नेता बन जाता है जनता के लिए, वो नेता किसके लिए बनता है, आपके लिए बनता है, और जनता का शासन है वो आपके लिए ही, वो क्या करता है, शासन है। तो लोकतंत्र क्या, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। और लोकतांत्रिक मूल्यों के तत्पर देख लीजिए, यही सवाल पूछा गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों से तत्पर स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी और न्याय, जस्टिस, ये तीन जो मुख्य मूल्य हैं ना लोकतांत्रिक के, आपको इसको जरूर याद रखना चाहिए। वो क्या है, स्वतंत्रता आपका क्या है, स्वतंत्रता, समानता और आपका न्याय। ठीक है, ये तीन मूल्य है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। वैसे कई किताबों में सात भी मूल्य, मुख्य मूल्य ये स्वतंत्रता और समानता आपके मुख्य मूल्य होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों से तत्पर स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शों से है। अर्थात लोकतांत्रिक देश में, अर्थात एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पाने का अधिकार है। तो यही लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों से क्या तात्पर्य है भाई, कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों से है। अर्थात लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात थी नौवीं क्वेश्चन, लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात थी। अब आइए एक दसवां और लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है एक क्वेश्चन उधर छूटा है, उसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सच में ये ऐसी टॉपिक है ना, जब मैं ये वीडियो ये मैं बना रहा था, जब मैं ये टेक्स्ट लिख रहा था किताबों के रेफरेंस से, तो मुझे एक अफसोस हुआ कि काश हम भी इस शिक्षा के हिस्सा होते। देखिए इसमें पूछा गया कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए। वैदिक शिक्षा मतलब जो वैदिक काल में पढ़ाई जाती थी, जो आश्रम में पढ़ाई जाती थी, गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, जो आचार्य लोग पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को लेकर जंगल में निवास करके धनुर्विद्या और ये सारी चीज़ें सिखाती थी। तो वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है, आप इसको देखिए, हमारी प्रेजेंट शिक्षा से बिल्कुल भी डिफरेंस है, उसी को मैंने यहां पे अंकित किया है। देखिए
वैदिक कालीन शिक्षा न तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी, वहाँ पे कोई पुस्तक नहीं था, कोई पुस्तकीय ज्ञान पे आप डिपेंडेंट नहीं थे कि आपको बस यही पढ़ना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नहीं नहीं नहीं, आपको पुस्तकीय ज्ञान के भरोसे ही नहीं था। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा न तो पुस्तकीय ज्ञान में विश्वास रखती थी और न ही जीविकोपार्जन का साधन थी। मतलब जो वैदिक शिक्षा थी वो जीविकोपार्जन की साधन नहीं थी। ऐसा नहीं है कि गुरु जी उसी के भरोसे थे कि बस वो उससे पढ़ाएंगे उससे पैसा मिलेंगे तो वो खाएंगे, नहीं, वो जीविकोपार्जन का साधन बिल्कुल नहीं था, न ही जीविकोपार्जन का साधन था। अब देखिए था क्या, यह तो पूर्ण रूप से नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का सोपान था। ये बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान हमें विद्यार्थियों को दिया जाता, नैतिकता हमें सिखाई जाती थी वैदिक काल में, इसीलिए वैदिक काल एक महान काल था शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए उस समय की शिक्षा का मकसद क्या था, यहाँ ध्यान से देखिए, उस समय की शिक्षा का मकसद व्यक्ति में ब्रह्मचर्य, सदाचार, परामर्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु एवं बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन और सतस्वरता, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर और उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। कितना बेहतरीन वर्ड्स यहाँ पे कॉपी किया गया है, ये खुद यहाँ पे टेक्स्ट मेरे द्वारा किया गया है। आप देखिए यहाँ पे कि उस समय की शिक्षा का मकसद व्यक्ति में ब्रह्मचर्य, सदाचार, परामर्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सतस्वरता, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कारी बनाया जाता था, संस्कार युक्त बनाया जाता था। कब? वैदिक काल में। यही हमारी वैदिक शिक्षा की विशेषता थी, जो कि आज की शिक्षा में, आज के, आई एम सो सॉरी टू से दिस इज नॉट हैपन विद ऑल द स्कूल्स, बट या नाउडेज द स्कूल्स आर ट्रीटिंग स्टूडेंट एज ए कस्टमर, दे आर जस्ट आस्किंग अस टू पे फीस 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 एंड फीस, दे आर जस्ट फोकसिंग टू अर्न मनी, नथिंग एल्स, दैट्स इट। ओके, लीव अबाउट द क्रिटिसिज्म, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो ये थी हमारी वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं। एक क्वेश्चन जो रह गया था, उस चौथा क्वेश्चन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के क्वेश्चन लास्ट रह गया था चौथा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, पहले तो देखिए कि ये जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है इसका सिद्धांत अरविंद घोष जी ने दिया था, ठीक है, और इनके सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर समझ जाइए, आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल, आपके रूह से लिया गया, आपके स्पिरिचुअल से, आपकी आत्मा से लिया गया, आत्मा का राष्ट्रवाद यहाँ लिया गया है। और क्या खूब अरविंद घोष जी ने कहा है कि इनके सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ना, अगर आप सोचते हैं कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक और राजनेताओं के लिए है तो बिल्कुल गलत है। अरविंद घोष जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद तो एक धर्म है। वो उनका मानना है कि राष्ट्रवाद स्वयं में एक धर्म है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको रहना है। यानी कि अरविंद घोष जी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में लिखते हैं कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको और हमको क्या करना है, रहना है। हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार आप अपने धार्मिक कार्यों, धार्मिक त्यौहारों और धार्मिक चीज़ों के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक वैसे ही आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए तत्पर रहना होगा। अतः धार्मिक दृष्टि से ही राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना पड़ेगा आपको। एक बिल्कुल जैसे आप धर्म की उपासना करते हैं, आप धर्म की तरह अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने कास्ट को लेकर, इसी तरह आपको अपने राष्ट्र और अपने देश के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। यही क्या कहा गया है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, मतलब रूहवादी नेशनलिज्म, इसलिए क्वेश्चंस को मैंने लास्ट में रखा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियोस में हमने इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये जो भी 10 क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2022 में आए थे फर्स्ट पेपर में, नॉलेज एंड करिकुलम में 2022 जो भी फर्स्ट पेपर में आए थे उन सबको हमने सॉल्व कर दिया। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए शिक्षा और साक्षरता, अविद्या, प्रयोजनवाद, प्रगतिवाद और ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद तो अभी हमने देखा है। उसके बाद आपको हमने भौतिक संस्कृति भी देख लिया, हमने ऑटवे के अनुसार, हमने समाजशास्त्र की परिभाषा, एजुकेशन की परिभाषा हमने देख लिया, पाठ्यक्रम और सिलेबस में अंतर भी देख लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू भी देख लिए और वैदिक शिक्षा की विशेषताएं भी देख लिए। तो पार्ट सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए। आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं गाइस, आप मेरी मेहनत देख सकते हैं कि कैसे मटेरियल कलेक्ट करके वीडियोज़ बनाना, इट्स नॉट ए इजी डील्स, तो बट इट्स ओके गाइज, आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू थिंक दैट आई एम रियली डूइंग गुड फॉर दिस इंस्टीट्यूट, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जैन टॉक जाने आलम जैन टॉक के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, आप यूट्यूब से जुड़िए और चैनल से जुड़े रहिए। आगे ही ऐसे ही 2016, 2017, 2018, 2019 के पेपर्स भी यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आपको दिए जाएंगे, और इस पेपर्स के जो भी क्वेश्चंस और रिमेनिंग रह जाते हैं सेक्शन बी सेक्शन सी, उसके भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप वीडियो को रिप्ले करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।